नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रसवीर सिंह के निर्देश पर जिले भर की पुलिस हुई सक्रिय। रात में गश्त किया कोच प्रभारी निरीक्षक इमरान खान को एक सफलता मिली। खेड़ा चौकी प्रभारी शफीक अहमद पुलिस बल के साथ रात में गश्त पर थे, तभी कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर से चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में तीन लोगों को, एक इकबाल नटो पुत्र मोहम्मद अली निवासी गिरवर नगर कोच, असगर कुरैसी पुत्र मूसा निवासी आराजी लाइन कसाई मंडी कोच, भूरे नट पुत्र मुस्तबे निवासी ग्राम कोलारी थाना रेडर जिला जालौन को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई। और पूछताछ की क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि तीनों अभियुक्त कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर में झाड़ियों में बैठकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसकी भनक गश्त पर रही पुलिस टीम को लगी। पुलिस टीम ने मौके पर जाकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाली ले आई, तहां उनसे पूछताछ की है। इनके पास से दो अवैध तमंचा, 315 बोर, देसी चार जिंदा कारतूस, एक छुरी, आला नकजनी का सामान बरामद हुआ है। अभियुक्तों के खिलाफ पहले से ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। कोतवाली कोच में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। क्या है मामला? ये रात्रि में गश्त के दौरान भगत सिंह नगर के पीछे जो झाड़ियां, वहां से तीन लोगों को पकड़ा गया है। इन तीनों लोगों को जब संदेह की स्थिति जो पकड़ा गया और पूछताछ की गई, इनके ऊपर पहले से अभियोग पंजीकृत है। थाना कैरिया में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में इकबाल नट बांचे चल रहा था और ये तीनों लोग चोरी की तैयारी में थे। इनके पास अवैध असलहे और पेशकश और सरिया और रोडें, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। ये दोनों चोरी के प्रयास में आए हुए थे, लेकिन चोरी की घटना करने से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले बीते दिनों जो है चोरियाँ हुई हैं, उनमें कोई रिकवरी हुई? पिछले जो बीते हुए थे चोरियाँ हुई, तो उनमें इनकी संलिप्तता नहीं थी, नई चोरी के प्रयास में थे। पिछली जो चोरियाँ हुई थी उनके लिए प्रयास जारी है, शीघ्र ही उन घटनाओं का भी सफल निराकरण किया जाएगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।